स्टोरी विद बुनेंद्र की तरफ से सुना रहा हूं एक कहानी सगाई। मेरा मन कुछ बैठा सा गया था जब मैंने चिलचिलाती धूप में एक माँ को अपने कुछ महीने के बच्चे को दूध की जगह थोड़ा सा गेहूं का आटा पानी में घोलकर पिलाते हुए देखा। कितनी पीड़ा होती होगी ना उस माँ को जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में पलते बच्चे के भविष्य के बारे में ऐसा सोचा भी ना होगा। वो माँ पल पल डरती होगी ना कहीं उसके बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए, फिर भी हालात से समझौता करती होगी और उस बच्चे को भगवान भरोसे छोड़कर एक छोटी सी बिना चिनाई की दीवार की ओट में लिटाकर सीमेंट कंक्रीट का भरा तसला अपने सिर पर ढोती हुई यहीं अपने बच्चे पर नजर रखती होगी। मेरी बगल में खड़ी आरोही का मन भी ये सब देखकर पसीज गया था। चलो रमन, मुझसे और सब ये नहीं देखा जाएगा, आरोही ने अपने सिर पर चुनरी की छांव करते हुए कहा था। ऑफिस चलते हैं, बॉस इंतजार कर रहे होंगे। मैं और आरोही महाशय कंस्ट्रक्शंस की साइट ऑफिस पहुंचे। बॉस ने हम दोनों की फाइलें देखी और हमारा सिलेक्शन हो गया था। आरोही ने भी मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था तो दोनों का सिलेक्शन एक साथ ही एक ही कंपनी में हो गया था। 4 दिन बाद हम दोनों अपना सामान लाकर कंपनी के रूम में शिफ्ट हो गए थे। मैं आराम करने के लिए बेड पर लेटा ही था कि मेरी नज़र छत पर बने डिज़ाइन पर चली गई। कितनी लगन से बनाया होगा ना ये डिज़ाइन किसी ने। वो मजदूर जो दुख सुख गर्मी बरसात सहकर हमारे आराम का बंदोबस्त करते हैं बेचारे खुद बेघर होते हैं। मुझे वही बच्चे की माँ का दृश्य दिखने लगा था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और मेरे ही बराबर वाले रूम में आरोही के पास चला गया था। क्या हुआ रमन, आरोही ने पूछा। कुछ नहीं, मैं ज़रा साइट पर राउंड के लिए जा रहा था, सोचा तुमसे पूछ लूँ। नहीं, मैं थोड़ी देर में जाऊँगी, बहुत थक गई हूँ। ठीक है, तो आपके फ्रिज में अगर दूध का कोई पैकेट हो मुझे चाहिए। शाम को हम दोनों साथ चलेंगे, तब उस महिला को कुछ और भी खाने को दे आएंगे। आरोही समझ गई थी, उसे मेरी एक एक बात की पकड़ करना खूब आया था। मुझसे सीनियर थी पर कभी भी अपना रौब नहीं दिखाती थी। हाँ, शादी करके हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा दिन बनी नहीं थी, इसलिए पिछले 6 महीनों से दोनों अलग हो गए थे। आरोही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, हस्बैंड को आरोही की नौकरी करना पसंद नहीं था। घर में रहकर बच्चों की देखभाल, आलू दाल चावल दूध का हिसाब और शाम को पति सेवा का धर्म, बस यही चाहता था आरोही का हस्बैंड। आरोही डिवोर्स चाहती है पर पति देने को तैयार नहीं, इस वजह से आरोही थोड़ा चिड़चिड़ी सी रहती है। मैं अपने बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे पर नौक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो 2 बड़े थैले लिए आरोही खड़ी थी। अरे कहाँ जा रही हो, चलो रमन थोड़ी मदद कराएं उस बेचारी महिला की, आरोही ने कहा था। हाँ मैं चलता हूँ, पर आपने इन थैलों में लिया क्या है? कुछ नहीं, थोड़े चावल दाल आटे का पैक अमूल दूध का डब्बा और थोड़ी बहुत चीनी वगैरह है, आरोही ने एक एक करके सब बताया था। हमने जाकर उस महिला की झुग्गी में वो सारा सामान पकड़ा दिया। मैंने कुछ नकद पैसे दिए थे, बदले में महिला ने आशीर्वाद की भरी एक बड़ी सी पोटली जैसे हम दोनों को दे दी थी। अब कहीं जाकर आरोही का मन थोड़ा शांत हुआ था। कुछ ही दिनों में हम दोनों ने मजदूरों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली थी। जल्दी ही हमारा प्रमोशन भी हो गया था। घर की नेम प्लेट पर असिस्टेंट इंजीनियर की जगह असिस्टेंट अब नहीं था। मेरी नज़रों में आरोही अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ी हो चुकी थी। घर पर माता पिता के अलावा एक छोटा भाई सबका खर्च आरोही आराम से उठा रही थी, फिर भी उसका मन अशांत था। शायद उसे डिवोर्स न मिलने का डर पल पर सता रहा था। वो आज़ाद होना चाहती थी उस अनचाहे संबंध से जिसका अब कोई वजूद ही नहीं रह गया था। अचानक स्टाफ में आरोही के ट्रांसफ़र की चर्चा से मैं भी परेशान था और आरोही भी
खुद को एकदम अकेला सा महसूस करने लगी थी। रमन जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आरोही अपने शब्दों को खींच कर बोली थी। हाँ कहो ना प्लीज, मैं भी कुछ सुनना चाहता था। रमन जी, आप मुझसे शादी करोगे? मैं शादी? मगर आपका डिवोर्स? डिवोर्स मेरे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं नहीं रहना चाहती उस आदमी के साथ। ये मेरी लाइफ है, मैं जैसी चाहूँगी जीऊँगी। आप बताइए, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह है? हाँ आरोही। मैंने हाँ कहने में देर नहीं की। तो अपनी माता जी को जाकर मिलाओ, उनसे सब सच सच बताना, और माता जी की क्या राय है मुझे बताना। कल जाकर लौट आऊँगा। आरोही का मेरे हाँ कहने भर से ही चेहरा खिल गया था। वो जानती थी कि घर पर मैं जाकर माँ को मना लूँगा। मुझे माँ के पास भेजना चाहती थी, पर वो ये नहीं जानती थी कि ये बात तो मैंने पहले से ही माँ के कानों में निकाल रखी थी। माँ ने मुझे कई बार कहा था, कभी आरोही को लेकर आओ। आरोही, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें, ताकि थोड़ी बहुत भी गुंजाइश ना रहे। आप जब माँ से मिलोगे बात कुछ और होगी। मैंने निडर होकर कहा था, एक शर्त पर चलती हूँ, पहले आप मुझे ये आप कहना छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर आप भी तो मुझे, मेरा मतलब है तुम भी तो मुझे आप कहती हो। हाँ मैं कह सकती हूँ। तुम जो चाहो कर सकती हो। ठीक है, कल सुबह चलते हैं। मैं रात भर यही सोचता रहा कि क्या मैं आरोही के साथ न्याय कर पाऊँगा, क्या मैं वो प्यार दे पाऊँगा जिसकी वह हकदार होगी, और क्या मैं खुद और माँ के साथ भी न्याय कर पाऊँगा। आरोही एक समझदार लड़की है, वो मेरा ख्याल अच्छी तरह से रखेगी, मेरी पसंद नापसंद को जानती है, यहाँ तक कि मुझे खाने में क्या पसंद है वो भी जानती है। उसने कई बार मुझे अपने हाथों का बना खाना खिलाया था, जो बिल्कुल मुझे मेरे घर जैसा लगा था। वही कम मिर्च वाली सब्जी, पतली चपाती और हींग का तड़का मेरा मन मोह लेता था। आरोही, तुमने बिल्कुल मेरी पसंद का खाना बनाना कहाँ से सीखा? मैं यूं ही पूछ लेता। जनाब रमन साहब, कॉलेज के टाइम से आपके घर का खाना खाते खाते माँ के हाथों की नाप तोल में अच्छी तरह से सीख गई हूँ। सच पूछो तो आरोही तब की बात कर रही थी जब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। उस वक्त ये सब सीखना, मतलब उसके दिल में मेरे लिए बहुत पहले से कुछ अलग ख्यालात थे। फिर उसने कभी अपने दिल की बात मुझसे कही क्यों नहीं? ओह गॉड, कितना कुछ सहा आरोही ने। मैं अचानक बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, रात के 2 बजे थे। मैं खुद को रोक ना सका और आरोही को कॉल की। हेलो आरोही, सॉरी इस टाइम फोन किया पर मजबूर था। क्या हुआ रमन जी, नींद नहीं आ रही है क्या? नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, हाँ कुछ याद जरूर आ गया। इस टाइम क्या याद आया आपको? अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। रमन जी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके आ जाओ। मैं आरोही के रूम पर गया, वो ड्राइंग रूम में बैठी थी। मैंने झिझकते स्वर में आरोही को आई लव यू कहा। आरोही जैसे चौंक गई थी। तुमने क्यों इतने दिन तक अपने दिल में बसे मेरे प्यार को छुपाए रखा? क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे चाहती हो? बताओ आरोही, क्यों इतने दुखों को सहा? क्या मुझसे कहते हुए डरती थी? आरोही का मुंह और आंखें खुली रह गई, वो नहीं जान पा रही थी कि मुझे ये सब कैसे पता चला। रमन जी, मेरे दिल में दबी बात को आखिर आप कैसे जान पाए? आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने आरोही को गले से लगा लिया था, वो रोने लगी थी। मैं मजबूर थी रमन जी, रूढ़िवादी बंधनों में बंधी थी। मेरी सगाई बचपन में ही हो गई थी, समाज के लिहाज से पापा ने दी हुई जबान को अहमियत दी और मेरी शादी उस अत्याचारी शराबी से कर दी। यही कारण था मैं आपसे कुछ न कह सकी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे अब बचा लो, मुझे अपना लो, उस राक्षस के साथ मैं नहीं रहूँगी। आरोही ने जैसे एक एक पल के खोए प्यार को सिमेट लिया था, अपने हस्बैंड की शिकायत और मेरे प्यार की एक एक बात को
बारी बारी से बिना थके कही जा रही थी और रुक रुक कर कोस रही थी रूढ़िवादी संस्कारों को, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को, जिसमें ना जाने कितनी ही आरोही की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। बस बस आरोही, चुप हो जाओ, अब सारे बंधन खत्म हो गए हैं, नया सवेरा होने वाला है। देखो चिड़ियों का झुंड कैसे मुस्कुरा रहा है, मोर भी तो सबको अपने स्वरनाथ से खुश कर रहे हैं ना। अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा है, अब घर जाने की तैयारी करो, माँ हमारे स्वागत को तैयार बैठी हैं। रमन जी, आरोही को एक और मीठा सा झटका लगा। हाँ, मैंने तो घर पर बहुत पहले ही बता दिया था, अब चलो, नई जिंदगी हम दोनों का इंतजार कर रही है। बस इतनी सी थी आरोही की सगाई की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और हाँ, मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।